नमस्कार, आप सभी को आपके अपने चैनल गाइड अ कंप्लीट एजुकेशनल हब पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं 7 नवंबर 2019 के सारे करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इस चैनल पर हर रोज करंट अफेयर्स अपलोड किए जाएंगे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर रोज आप लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में अपडेट मिलती रहे। इन विच स्टेट द फर्स्ट टाइम बैंक ऑफ इंडिया विल बी ओपेंड। भारत के किस राज्य में फर्स्ट टाइम बैंक ऑफ इंडिया खोला जाएगा? इसका आंसर आपका बी, मध्य प्रदेश। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश विल ओपन फर्स्ट टाइम बैंक ऑफ इंडिया। द बैंक विल प्रोवाइड वॉलंटरी सर्विस एज पर द कस्टमर विश एंड इफ नॉट द सेम नंबर ऑफ आवर्स विल बी क्रेडिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट। मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार बैंक ऑफ इंडिया खोला जाएगा। बैंक ग्राहक की इच्छा अनुसार स्वैच्छिक सेवाओं प्रदान किया जाएगा और यदि नहीं तो उसी घंटे को ग्राहक के खाते में जमा किया जाएगा। द रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। सरकारी अस्पताल में रोबोट सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका आंसर आपका डी, न्यू दिल्ली। द रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में रोबोट सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया गया है। पूजा गहलोत इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। पूजा गहलोत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आपका बी, रेसलिंग। इंडिया रेसलर पूजा गहलोत हैज वोन द सिल्वर मेडल इन 53 कैटेगरी अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। विद दिस विक्ट्री इंडिया हैज वोन 2 मेडल्स। भारतीय पहलवान पूजा गहलोत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। इस जीत के साथ भारत ने 2 पदक जीते। एज पर नवंबर 2019 हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। नवंबर 2019 के अनुसार भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका आंसर आपका सी, 9। India is a federal union comprising 28 states and 9 union territories. For a total of 37 entities, the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were created after on recommendation of parliament. The president effectively dismantled Article 370 of the Indian Constitution and gave assent to Jammu and Kashmir Recognition Act 2019. Bharat ek sandhiya sangh hai jisme kul 37 sansthaon ke liye 28 rajya और 9 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों को संसद की सिफारिश के बाद बनाया गया था। राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को मंजूरी दी। व्हाट इज द थीम ऑफ 5th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का विषय क्या है? इसका आंसर आपका बी, राइजन इंडिया रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ साइंस कुड लीड इंडिया टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। द एम इज टू एंगेज द पब्लिक विद साइंस एंड सेलिब्रेट द जॉय ऑफ साइंस। थीम फॉर 5th एडिशन इज राइजन इंडिया रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विज्ञान और प्रौद्योगिक को बढ़ावा देने के लिए एक उत्सव है और यह प्रदर्शित करता है कि कैसे विज्ञान बहुत कम समय में भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जा सकता है। उद्देश्य है जनता को विज्ञान से जोड़ना और विज्ञान की खुशी मनाना। 5वें संस्करण के लिए थी राइजन इंडिया है, रिसर्च इनोवेशन और साइंस एम्पावरिंग द नेशन। Which of the following is the venue of दिल्ली आदि महोत्सव? निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली महोत्सव का स्थल है? इसका आंसर आपका ए, दिल्ली हाट। The दिल्ली आदि महोत्सव is to be organized at दिल्ली हाट from 16th through 30th November 2019. The ceremony will be inaugurated by the Union Minister for Home Affairs, श्री अमित शाह। दिल्ली आदि महोत्सव 16 से 30 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आयोजित किया जाना है।
इस समारोह का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अमित शाह करेंगे। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर आपका ए सिक्किम। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन सिक्किम ऑन November 3, 2019। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष इनॉग्रेटेड द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर। द इंस्टीट्यूट वॉज अपग्रेडेड फॉर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। सिक्किम में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का उद्घाटन किया गया है। 3 नवंबर को आयुष के लिए केंद्र राज्य मंत्री ने त्वचा विकारों के लिए यूनानी चिकित्सक को राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। संस्थान को केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा से अपग्रेड किया गया था। 2 new IT initiatives ISDASH एंड अतिथि आर लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द मिनिस्ट्री। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 2 नई आईटी पहल ISDASH और अतिथि शुरू की गई है? इसका आंसर आपका डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन अनवील 2 new IT initiatives ISDASH एंड अतिथि। इट्स एम टू इंप्रूव द मॉनिटरिंग एंड पेस ऑफ कस्टम क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड टू फैसिलिटेट अराइविंग इंटरनेशनल पैसेंजर बाय द इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ कस्टम बैगेज एंड करेंसी डिक्लेरेशन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2 नई ITs पहल ISDASH और अतिथि का अनावरण किया। इसका उद्देश्य आयातित सामानों की सीमा शुल्क निकासी की निगरानी और गति में सुधार करना है और सीमा शुल्क सामान और मुद्रा घोषणाओं की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को पहुंचाने में सुविधा प्रदान करना है। विच एनिवर्सरी ऑफ बर्लिन वॉल फॉल विल बी सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2019। वर्ष 2019 में बर्लिन वॉल फॉल की किस वर्षगांठ मनाई जाएगी? इसका आंसर आपका ए 30th। इन 2019 बर्लिन सेलिब्रेट्स द 30th एनिवर्सरी ऑफ फॉल ऑफ बर्लिन वॉल विच इवेंट्स एन एग्जीबिशन डीलिंग विथ इट्स कंस्ट्रक्शन द डिविजन ऑफ बर्लिन द कोल्ड वॉर एंड द पीसफुल रिवोल्यूशन ऑफ 1989। जर्मनी मार्क्स 3 decades सिंस द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। द वॉल वॉज बिल्ट इन 1961 टू स्टॉप एन एग्जॉट फ्रॉम ईस्टर्न कम्युनिस्ट पार्ट ऑफ डिवाइडेड जर्मनी टू द मोर प्रॉस्पेरस वेस्ट। 2019 में बर्लिन की दीवार के गिरने की 30वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और इसके निर्माण से संबंधित घटनाओं और प्रदर्शनियों के साथ बर्लिन के विभाजन शीत युद्ध और 1989 की शांतिपूर्ण क्रांति। बर्लिन की दीवार के गिरने के 3 दशक बाद जर्मनी चहित करता है। दीवार का निर्माण 1961 में पूर्वी जर्मनी को साम्यवादी हिस्से को अधिक समृद्ध पश्चिमी में एक ऐलान रोकने के लिए किया गया था। लिंडम मॉनेस्ट्री इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। लिंडम मार्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपका बी सिक्किम। लिंडम मॉनेस्ट्री इज इन रंग सिक्किम। इट इज अ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर फॉलोइंग द ज्यूरमंग काग्यू सेक्ट ऑफ द एंशिएंट स्कूल ऑफ टिबेटियन बुद्धिज्म। द मॉनेस्ट्री सिंबोलाइज द टिबेटियन बुद्धिज्म आर्किटेक्ट विथ अ जाइजेंटिक स्टैचू लॉर्ड बुद्धा इज एंश्राइंड एट द एंड ऑफ द हॉल। लिंडम मंथ रंकी सिक्किम में है। यह एक बौद्ध तीर्थस्थल है जो तिब्बत बौद्ध धर्म के प्राचीन स्कूल के जुर्मंग काग्य संप्रदाय के बाद है। मठ तिब्बत बौद्ध वास्तुकाल का प्रतीक है जिसमें भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा हॉल के अंत में विराजित है। विच ईयर हैज बीन सेट अ टारगेट टू इंट्रोड्यूस वुमेन सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में महिलाओं सैनिकों को पेश करने का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है? इसका आंसर आपका सी 2021। द इंडियन आर्मी हैज ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड द फर्स्ट बैच ऑफ 100 वुमेन सोल्जर फॉर द क्रॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। दीज वुमेन विल अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग इन डिसंबर 2019 एंड विल बी इंडक्टेड
इनटू द सीएमपी बाय एंड ऑफ 2021। भारतीय सेना ने पहली ही कोर ऑफ मिलिटेंट पुलिस के लिए 100 महिला सैनिकों के पहले बैच को शॉर्टलिस्ट किया है। यह महिलाओं दिसंबर 2019 से सैन्य परीक्षण से गुजरेगी और 2021 के अंत तक इसे सीएमपी में शामिल कर दिया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत इज एन इनिशिएटिव टू पे ट्रिब्यूट टू विच फ्रीडम फाइटर। एक भारत श्रेष्ठ भारत किस स्वतंत्र सेनानी को श्रद्धांजलि देने की पहल है? इसका आंसर आपका बी सरदार पटेल। एक भारत श्रेष्ठ भारत इज एन इनिशिएटिव टू पे ट्रिब्यूट टू सरदार पटेल हु प्लेड अ की रोल इन इंटीग्रेटिंग द नेशन। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द नेशन द इनिशिएटिव सीक्स टू बिल्ड बॉन्ड्स बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। द प्रोग्राम इज गिविंग बूस्ट टू एग्जिस्टिंग कल्चरल कनेक्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड एनहांसिंग इंटरेक्शन बिटवीन पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स। एक भारत श्रेष्ठ भारत सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने की एक पहल है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना महान योगदान के लिए राष्ट्र को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पहल भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच बॉन्ड बनाने का प्रयास करती है। कार्यक्रम ई देश को विभिन्न हिस्सों के बीच मौजूदा सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा दे रहा है और विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों के बीच बातचीत को बढ़ा रहा है। Who won the JCB Prize for Literature for 2019? 2019 के लिए साहित्य के लिए JCB पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर आपका डी माधुरी विजय। The 27-year-old Madhuri Vijay has won the JCB Prize for Literature 2019 for her debut novel The Far Field. She has been selected for a shortlist features novel from 5 accomplished writers. She is also a recipient of Henfield Prize and Pushkar Prize. 27 वर्षीय माधुरी विजय ने अपने डेब्यू उपन्यास द फार फील्ड के लिए साहित्य 2019 के लिए जेसीबी पुरस्कार जीता है। उन्हें 5 निपुण लेखकों के उपन्यास की एक लघु सूची से चुना गया है। वह हेनफील्ड पुरस्कार और पुष्कर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी है। Which of the following regiment will be incorporated in Indian Army for the first time? निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट पहली बार भारतीय सेना में शामिल की जाएंगी? इसका आंसर आपका ए धनुष रेजिमेंट। इंडियन आर्मी विल हैव फर्स्ट धनुष रेजिमेंट बाय मार्च 2020। द इंडियन आर्मी विच बिगेन इंडक्टिंग द इंडिजिनियस अपग्रेड धनुष आर्चरी गन्स विल हैव द फर्स्ट रेजिमेंट in place by March 2020 and will get all 114 guns by 2022. Dhanush is the indigenously upgraded variant of the Swedish Bofors guns imported in the years 1980s. Bharatiya Sena ke paas March 2020 tak pehli Dhanush regiment honge. Bharatiya Sena jisne swadeshi roop se upatra Dhanush topo ko shamil karna shuru kar diya hai. March 2020 tak ke pehle regiment honge और 2022 तक सभी 114 बंदूकों प्राप्त कर लेंगे। धनुष 1980 के दशक में आयातित स्वीडिश बोफ्स बंदूक का स्वदेशी रूप से उत्तंत संस्करण है। लक्ष्य सेन बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? लक्ष्य सेन किस सेल से संबंधित है? इसका आंसर आपका बी बैडमिंटन। लक्ष्य सेन इज एन इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। ही इज फ्रॉम उत्तराखंड। His ranking in the world is 51. He recently bagged his second successive BWF World Tour Super 100 title with a thrilling win over China's Wang Hongyang. He has won the Asian Junior Championship silver at the Youth Olympic and a bronze at World Junior Championship. Lakshya Sen ek Bharatiya badminton khiladi hai. Wah Uttarakhand se hai. Vishwa mein unka ranking 51 hai. Unhone haal hi mein चीन के वैंग होंग यांग पर रोमांचक जीत के साथ अपना दूसरा BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 खिताब जीता। उन्होंने एशिया जूनियर चैंपियनशिप यूथ ओलंपिक में रजत और विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य जीता है। तो ये था आज के सारे करंट अफेयर्स। तो इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप और
टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में किसी को कुछ डाउट है और किसी को कुछ पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैनल में और भी करंट अफेयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए गए हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, आप लोग वहां जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।